आज मैं आपसे मटन कोरमा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने बकरे का गोश्त लिया है 500 ग्राम है। बाकी अर्सा जो चाहिए, हल्दी पाउडर, केवड़ा, नमक, सुरख मिर्च पिसी हुई, बादाम है इसके छिलके मैंने उतार दिए, दही है, जायफल जावत्री का पाउडर है, हरी इलायची है छोटी, लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 मीडियम साइज के प्याज हैं उनको मैंने ब्राउन कर लिया है। चलिए अपनी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसी ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन किए थे और इसी ऑयल में हम मटन शामिल करेंगे। 500 ग्राम मैंने मटन लिया था। मटन हमने शामिल कर दिया है, इसको हल्का सा फ्राई करेंगे ऑयल में। जैसे थोड़ा सा कलर चेंज होगा, साथ ही हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, उसका कलर चेंज हो चुका है हल्का सा। हमने ऑयल में फ्राई कर लिया इसको। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। फ्राई करेंगे जब तक थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, फिर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। गोश्त को हमने लहसुन अदरक के पेस्ट में हल्का सा फ्राई कर लिया है, ब्राउन हो चुका है ये। अब इसमें पानी शामिल करेंगे, 1 ग्लास पानी शामिल कर देंगे, 1/4 टीस्पून नमक शामिल करूंगी। अभी मैंने इसमें पानी कम शामिल किया है क्योंकि हम इसमें दही डालेंगे, ब्राउन प्याज शामिल करेंगे, आधा गोश्त हमारा इस तरह से गलेगा, बाकी ये दही में गलेगा। अभी हम इसको कवर कर देंगे, जैसे पानी खुशक होगा दही शामिल। हमने एक साइड पे गलने के लिए रख दी है। अब ब्राउन प्याज को चॉपर में चॉप कर लेंगे। पानी हमारा खुशक हो चुका है, गोश्त हाफ से ज़्यादा गल चुका है। अब इसमें दही शामिल करेंगे, 1 प्याली दही है, इसको मैंने अच्छी तरह से बीट कर लिया है, शामिल कर दिए, 1 प्याली दही लिया था। तो ब्राउन प्याज शामिल करेंगे, इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। इसमें अब माखी मसाला जब शामिल करेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पिसी हुई, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून जायफल जावत्री का पाउडर, 4 अदद हरी इलायची, बादाम साथ ही शामिल कर देंगे, 6 से 7 अदद मैंने बादाम लिए थे, उसको भिगो दिया था गर्म पानी में और छिलका उतार लिया। अब 1/2 टीस्पून नमक शामिल करेंगे, नमक मैंने 1/4 टीस्पून पहले भी शामिल करा से मिक्स करेंगे और कवर करके रख देंगे बिल्कुल लो फ्लेम पे। जैसे दही का पानी खुशक होगा फिर इसको भून लेंगे। दही का पानी खुशक हो चुका है, तरी भी आ चुकी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसको भूनेंगे तेज आंच पे। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मटन कोरमा बहुत ही मज़ेदार बनेगा आपका अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। मटन कोरमा को हमने अच्छी तरह से भून लिए, तरी आ चुकी है। अब आखिर में हम केवड़ा शामिल करेंगे, चंद कतरे गैस मिक्स करेंगे। मटन कोरमा हमारा रेडी है। आखिर में हम अदरक शामिल करेंगे, लंबा लंबा मैंने काट लिया था, चूल्हा बंद कर देंगे। अभी मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा। मटन कोरमा तैयार है। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।